का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपसी और टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। इसे स्टॉक में देखें तो आज के दिन 30 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 3% की गिरावट देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर 1%, 3 महीने में 2.5%, 6 महीने में 11% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है, परंतु 1 साल में देखें तो इस स्टॉक में 30% की तेजी देखने को मिली है और 2 साल के अंदर इस स्टॉक में 91% की तेजी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलाएगा, परंतु 6 महीने में इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 34 रुपीज। 34 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। अब स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है अराउंड 26 रुपीज। 26 रुपीज का इस स्टॉक में नीचे का एक सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इसे ऊपर रहता है इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 26 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 33 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर लगातार 4 दिनों से स्टॉक में बिकवाली होती हुई नजर आ रही है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।